पूरी दुनिया कहती यो यो नहीं भाई पूरी दुनिया कहती <laughs> 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 तो ने किंग के लफड़े के बारे में बात करी अपनी लाइव स्ट्रीम पे, आप है, उन्होंने क्या कहा है।, और है भाई ये ये ना मेरा भाई है भाई ये एक है फिंग के साथ ना एक दिन कोलाब तो मारना है आई डोंट नो किस चीज पर भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई आई डोंट नो क्या करेंगे लेकिन कुछ तो करते हैं भाई मैं अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ बट तुम लोग बताओ यार करेंगे क्या उसके साथ मतलब देखो नहीं है के साथ करेंगे क्या ये फिंग विंग ना दिल्ली वाले हैं भाई दिल्ली वालों से थोड़ा बच के रहता हूँ मैं बट ठीक है भाई देखते हैं फिंग के साथ अप्रोच तो करते हैं काला काला बोल रहे तो भाई ये कितना फनी चीज है भाई ये दोनों एक दूसरे को काला बोल रहे हैं हमने दो काले लोगों को एक दूसरे को काले बुलाता हुआ देखा है पिछले कुछ हफ्तों में इससे चीज हुई हिप हॉप में नहीं भाई किसी को गरीब बुला दिया किसी को औरत बुला दिया किसी को बोल दिया भाई सलवार फाड़ दूंगा ठीक है दो काले लोग एक दूसरे को काला बुला रहे हैं ये कैसा अभी अभी फिंग ने काला कहा है गाइस अब क्या

स करियर ऑल्सो कि जो हुआ था वो दस बारह साल पहले हुआ था यार दस बारह साल में तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते <laughs> तो हैं तो एक खुद ही एक मेंटल मैंने वो बना रखा है हो गया जो हो गया आई थिंक ही ह्यूमन अभी तो ये नहीं आना चाहिए था कि ज्ञान है आप बट ठीक है बट एनी मेरे को एक चीज और समझ में नहीं आई कि अब बादशाहबाजी का थोड़ा सा रिएक्शन अलग होना चाहिए क्योंकि अगर आपको कोई क्लाइंट ही बोल दे रहा है आई डोंट नो द इक्वेशन भाई लेकिन अगर आप क्लाइंट ही अगर आप बन गए हो तो आप इतना कामली नहीं करोगे और अगर आपने ये सब कुछ ऑलरेडी ख़त्म करने की पर्सपेक्टिव से सोचा था हाँ ये तीन अगस्त को हुआ है मेरे को पता चला ये मेरे को वो लगा था तीन सेप्टेम्बर लिखा हुआ है बट थर्ड ऑगस्ट अपेरेंटली एंड अगर ये मतलब यू you नो know, अगर ये हुआ ही है अगर बादशाह इसको एंड करना चाहते थे लेकिन हनी पाजी ने स्ट्रेट ऑफ क्लाइंट बोल दिया तो आई डोंट नो कि अगर ये एंड तो नहीं हुआ है मेरे हिसाब से ठीक है आई थिंक उस टाइम बंदा इवॉल्व होता है हर दिन हर साल हर हफ्ते इवॉल्व होता है उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी लेट देम नॉट डिक्टेट मी और माई एक्शन टूडे दैट विल बी सो फुलिश मेरा विजन कुछ और, और मैं उन टू सच अ लेवल की मैं ये इस गरज को या इस एनिमोसिटी को मैं नर्चर करना चाहता हूँ क्यों क्यों एग्जैक्टली क्यों राइट जाने थे ना क्लीन इज जस्ट अट राइट एंड मेरे लिए वो वो मोमेंट था लाइक देवर सो मेनी पीपल देवर सो मेनी चिल्ड्रेन एंड यू नो इन इन अ वे एक मैसेज था कि लेट्स लेट गो ऑफ थिंग्स जो तुम्हें परेशान करती हैं तो मेरे लिए वो एक था टाइम सो इट अ पर्सनल या रिडेम्पन फॉर मी कि अनबर्डनिंग अनबर्डनिंग है है ना क्योंकि भाई ग्रजेस का ना क्या होता है आपका एक हिस्सा वहीं फंसा है फंसा रहता है हाँ उसी आग में फंसा है फंसा रहता है हाँ और मैं एक इंसान हूँ मेरे को रियलाइज हुआ मैंने यार किसी चीज़ का ग्रज नहीं रखा किसी से भी ये भाई बादशाह ना रखा हो भले आपने ये कर दिया हो लेकिन अभी जो लाइन आपके ऊपर आई है उसमें आपको थोड़ा तो कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से है कि नहीं भाई करना तो चाहिए क्यों भाई? पाली हुई क्यों पाली है? लोगों की वजह से द नॉइज इंजॉयड इट इट वॉज ऑलवेज इन माई फेस ना मतलब आप जो देखते रहते हो आपको करता है बट लाइक एंड देन रियलाइज किसी ने जोड़ने की कोशिश ही नहीं करी किसी ने नहीं करी किसी ने नहीं करी आई डोट इफ माई फैन्स वैप्पी अबाउट यू नॉट अलॉड ऑफ वैप्पीप्पी अलॉड ऑफर लाइक भाई हम आपके लिए यू नो यू फॉट फॉर यूर विच आई अंडरस्टैंड बट दिस इज फॉर माई मेंटल पीस दिस इज फॉर माई दिस इज फॉर द विजन दैट आई हैव दिस वॉर द ग्रेटर विजन एज आई हैव एज एन आर्टिस्ट लाइक आई वोट हैव कुछ और है मेरा सपना मेरा सपना लड़ाइयां करना नहीं है बीफ शॉर्ट्स इज डिफरेंट सबलिमिनल शॉर्ट्स इज डिफरेंट दैट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर राइट कि मैं तेरे से बेटर हूं वो तो है ही बट टू गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस इज नॉट यू शुड डू इट एंड आई थिंक दिस इज अ बीफ और बीफ दैट हैज लिव्ड इन यू फॉर द दरिटी ऑफ योर करियर रफली आफ्टर द फर्स्ट हाँ मेरे को ऐसा भी लगता है भाई जब आपके साथ किसी के साथ भी बट इट हैज ऑल्सो इट हैज बीन अ मोटिवेशन फॉर मी एक्जेक्टली जब आदमी का करियर इन जस्टिस के साथ शुरू क्या 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 एक बंदा ने लिखा है भाई ये आ, पर ये हनी पाजी ने तो कुछ बोला भी नहीं था बादशाह ने अपने गाने में ही पोक किया था बोल रहे थे दस साल अरे तो मतलब देखो बादशाह के लिए जो चीजें हुई है उसके साथ उसकी वजह से उसको ग्रजेस थी अब ग्रजेस थी तो वो पोक कर रहा था एंड देन ही हैज बेसिकली उसने क्या किया भाई कि अब भाई मेरे को कुछ नहीं है चलो ठीक है भाईचारा कर लेते हैं वगैरह वगैरह वागे। जो वो कह रहा है बट नाउ हनी पा इज़ लाइक कि नहीं वो कहाँ अपना यार थोड़ी था अपना भाई थोड़ी था किसी के साथ दोस्ती थोड़ी थी अपना थोड़ी था कि उसके साथ ग्रजेज हो गए ये हो गए वो तो बस एक क्लाइंट था मेरे लिए सो दिस स्टेटमेंट विल चेंज द बादशाह ओपिनियन करेंटली ऑन हनी सिंह होना भी चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है लाइक दोनों ही आर्टिस्ट बहुत ही तगड़े हैं मैं किसी एक के साथ नहीं बोलूंगा भाई दोनों की बातें तुमको सुननी चाहिए समझनी चाहिए इसीलिए मैं ये इंटरव्यू देख रहा हूँ मेरे को आई वॉज नॉट अवेयर कि ये पहले का है मेरे को लगा ये अभी का है इसीलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था इसके अंदर ले होता है ना भाई

एंड यू थिंक अ फाइट कैन एंड फ्राम वन साइड आपने अपनी तरफ से उसको जाने दिया तो वो बात ख़त्म हो गई मेरे लिए ख़त्म हो गई आपके मन में नहीं है मेरे मन में मेरे, मेरे को नहीं लड़ना मेरे, मेरे को जवाब नहीं देना मेरे को तोज्जो नहीं देनी सबकॉन्शियसली यू जहाँ ये चीज़ आपके एक्शन को अफेक्ट करने लग जाए मतलब ये आपके अंदर है mm -hmm. तो अब नहीं है मेरे अंदर बिकॉज आई कैन फील इट अब मेरा जो काम है वो इट्स इट्स नॉट रिडन विद डेट मेरे एक्शन्स हैं मेरी मेरा मेरा कुछ भी है प्रोफेशनल

भाई but it... like, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही लाइक मेरे को एक चीज बहुत देर से समझ में नहीं आ रही कि बादशाह की तरफ से ही इज लाइक नहीं हमारा अच्छा था वो गुड गाएज छिल गाए सब कुछ सही था दोस्ती यारी हमारी थी एंड ऑल बट हनी पा जी की तरफ से एकदम डिफरेंट ही भाई मतलब दोस्ती यारी तो दूर की बात भाई मतलब जो क्लाइंट वर्ड ही बोला है ना मतलब वो स्ट्रेटअप सब कुछ खत्म ही कर देता है

द वर्ल्ड और आप यहाँ से उठा रहे वेरी कॉमन कॉन्सक्स पर्टिकुलरली साइकोसिस एंड ये वाला जो एंड है ना बाइपोलर वाला मैंने बड़ा क्लोजली देखा है बिकॉज समाई फ्रेंड्स मेरा एक रूममेट होता था अमेरिका में um, तो मैंने आई सीन इट माई होम राइट एंड आई एग्जाइटी बॉस लाइक आप अपने दिमाग पर भरोसा नहीं कर सकते मैं. Mm. And, देखो भाई मैं तो आई वॉज अ वेरी एवरेज कंज्यूमर राइट मतलब मैं तो कोई इतना ओपिनियन इस पर रखता नहीं बट आई ऑल्सो फील लाइक एक टाइम पे ही वॉज द किंग फॉर हिम टू सी दैट आई एम श्योर इज अ अटिल पेनफुल लाइक हंड्रेड परसेंट है ह्यूमन लेंस में अगर वो देखता हूँ मेरे को लगता है हनी सिंह यूज टू बी अम भाई आप ही स्ट्रगलिंग अटल बिट ही अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट दर इज नो अदर टर्म पीआर गेम आई डोंट नो भाई पीआर गेम है कि नहीं मतलब रन आउट नहीं हो जाता कोई सेंचुरी बनाने वाला बंदा वो फील आती है बट एक चीज <laughs> देख रहे हो एक मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा गाइस मतलब तुम समझ रहे हो बादशाह इज लाइक ही इज सॉरी कि जो हुआ ही इज लाइक अनफॉर्चुनेट कि पाजी के साथ ऐसा हो गया मैं गया था मिलने मेरे को फिर भी मिलने नहीं दिया गया बीट वट रीजन उसके लिए वो मतलब ये नहीं है इट्स लाइक ही इस शोइंग कि भाई हाँ मेरे तरह से तो मतलब आई ट्राइड मतलब मैं सॉरी था ये था वो था बट ऑन दी अदर हैंड अगर किसी दो मंदों में अगर ग्रजेज होता है ना दो दोस्तों में अगर ग्रजेज होता है तो उसके अंदर डिफरेंट हो जाता है भाई कि हाँ वो तो ऐसा है उसके बारे में तुमने बोल दिया बट वो उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं पाजी मतलब हनी पाजी कंसिडर ही नहीं करते हैं इसको अपना कुछ भी तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना यार कि नहीं भाई ऐसा नहीं इमेज क्लीनिंग पॉडकास्ट कुड कुड बी बी पॉसिबल पॉसिबल हो हो सकता है भाई नहीं आई वेंट थ्रू जो मेरी एग्जाइटी और मुझे डिप्रेशन होता था वो मेरा पर्सनल लाइफ होता पर प्रोफेशनल ने मेरे को इतना होने, मैंने अपने को करने दिया मैं आप

रॉक स्टार इट्स इट्स नॉट वर्थ इट वो दर्द से निकला हुआ रॉक स्टार बचपन में इंस्पिरेशन ठीक है यू हैव टू बी वेरी सेन कुछ भी हो सकता है और यूर प्लेट जैस एटल आज इसम श्योर एटलीस्ट हिज टीम आई थिंक हनीपा जी से

तो अभी नया आया है पाजी का गाना तो कुडबी भी की उसको क्रॉस करे क्या करे वो कंपटीशन चलती रहेगी बट हाँ बादशाह अगर क्लीन अपना करना चाह रहा है क्या करना चाह रहा है आई डोंट नो क्या है क्या नहीं बट ऑल आई कैन से इज कैट किन दोनों के बीच में पैचअप हो जाए ठीक है लाइक like, पैचअप अगर हो जाता है तो भाई क्या गाने निकलेंगे भाई तुम समझ रहे हो किस लेवल के गाने निकल सकते हैं भाई वो एरा वापस आ सकता है भाई भाई वो एरा नोगी, नोगी। भाई, आ, पता नहीं यार मतलब जो चीज़ पॉसिबिलिटीज़ तक जाती है ना हनी सिंह रफ्तार बादशाह भाई वो लोग गेम के अंदर उतर गए ना भाई अंडरग्राउंड हो मेन स्ट्रीम हो हर जगह फोड़ सकते हैं भाई ये लोग एंड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ केम बैक टू दीन आई वॉज द मोस्ट है कि माँ बाप का बच्चा वापस आया है mm -hmm. ये सब आ जाएगा ये आने जानी चीजें हैं ये जिसने भगवान ने जिसको देना वो देगा ये कोई नहीं छीन सकता आपकी किस्मत की चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता प्लीज जस्ट मेक श्योर यू हैव गुड पीपल अराउंड यू हुर जेन्यूनली

अदर देन दॉय ऑफ मेकिंग म्यूजिक वो फ्लो में निकलेगा फिर रिमेंबर वाई यू स्टार्ट टू इंग इट रिमेंबर वैन यू मेड यू फर्स्ट सॉन्ग वट यू फेल एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस आई एम आस्किंग लॉर्ड हिर क्योंकि मैं अपने पर्सनल लेवल पर भाई वो एंगर समझ सकता हूँ जो आपको रहा बहुत टाइम तक सिर्फ hmm. तो यूल भी किया hmm. पर वो एंगर रहा अब इज देर ऑल्सो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड इज़ देर थैंक्स कि भाई आप मेरे

अरे ये क्रेज़ी भाई मेरे को सारे आर्टिस्ट पसंद आते हैं क्योंकि उनके से पर तो, तो यू विल फील कि नहीं यार ये बंदा तो सही ही कह रहा है तुम समझ रहे हो भाई दोनों के दोनों आई डोंट नो देखो बादशाह को कुछ ग्रजेस था तो उसने पोक किया उसने सारी चीजें बोली लेकिन अब ही इज़ लाइक कि नहीं अब ठीक है इन सब चीजों से दूर चले जाना है

भाई की तरह ट्रीट नहीं किया राइट 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 बट मैंने बहुत लाइक like, बहुत मेमरीज हैं मेरा कोर था ना यार uh -huh. मेरा यूथ था uh -huh. मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ही वॉज योर ब्रदर एट द कोर टाइम पार देंगे दुनिया की, हाँ भाई बैठे हैं हाँ अरे हाँ. हम ही तो हैं और है कौन और, और हम ही थे भाई हाँ. कौन था सही बात तो सोचो अगर हम इकट्ठे होते भी अच्छा सिला दिया तूने भाई भी आप कैसी थी ऑप्टरा होती थी जीरो थ्री काले शीशे होते थे गेड़ी मारते उसमें ये सोचते थे मार देंगे दुनिया पूरा शहर हमारा है गाइस तो दो 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 मतलब सब चला गया यार मेरे लिए पेन ये बहुत पेनफुल था यार पेनफुल इसलिए था बिकॉज आप अपने भाई से आस लगाते हो आपको तो पता नहीं आप आपको नहीं पता आपके भाई को पता कैसे करना है ठीक है भाई कर लेंगे जैसे बोलेगा कर लेंगे भाई हमें तो पता नहीं पैसे लगने लगा देंगे टाइम लगने लगा देंगे सब कर देंगे भाई तू पता क्या करना है और करेंगे एक साल दो साल तीन साल चार साल और घर का जो प्रेशर होते है ना कि चल तूने ने सब तो छोड़ दिया अब दिखा अब दिखा क्या कर रहा है हम क्या जवाब दें कहाँ हैं गाने कौन से गाने पैसा कहा है भाई वो प्रेशर ना किसी भी लड़के को जवान लड़के को मरने पे मजबूर कर देता है बहुत बहुत, बहुत, बहुत रियल वो कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ यार मैं आ, मैं क्या करूँ जवाब नहीं है मेरे पास और फिर उसके बाद एकदम से गुलाब प्रॉब्लम नहीं तो वही थी और तो प्रॉब्लम ही नहीं थी और शायद तब उनको रियलाइज ना हुआ उनको शायद लग रहा हो जाएगा हो जाएगा कर तो रहे हो जाएगा मुझे नहीं पता ना तुम्हें कहाँ है mm. मुझे नहीं पता और तुम बता भी नहीं पा रहे भाई हो और oh, बड़े बड़े हो बड़े हो mm. भाई 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 इट्स गुड शिट अब क्या करें इट्स गुड टू सी बादशाह इज नॉट एन टू गेट रफ्तार <laughs> मॉडल में तेरे ते, मैं नहीं पढ़ रहा यार ये मॉडल साला सौ सौ सा रुपए दिला के मेरे को बैन करवाना चाह रहा है भाई भाई मैं बस यही चाहता हूँ कि रफ्तार की नहीं भाई मैं बस यही चाहता रफ्तार पाजी बादशाह पाजी हनी पाजी सब साथ हो जाए आ, सब मजे करे भाई अब चुप हो जाए शुरू भी नहीं मेरे दुश्मनी कर ये दुश्मनी थी भी नहीं खुद ही डेवलप हुई

यहाँ पे चेंज आ गया नॉवी like your भाई ना बहुत हल्के दिल से बोल रहे हैं मैं तो यार मैं तो चाहता हूँ हर कोई हल्का हो बहुत भारी भरे बैठे हम लोग और आप अपने नेक्स्ट जो आपका कह रहे थे मेरा विजन यू कैन एक्सेस यार वो बलून ऊपर जाएगा तब जब नीचे का वेट गिरा देगा मेक म्यूजिक जो कि ये कहना बहुत आसान है करना बड़ा मुश्किल है मेक म्यूजिक विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय

मुकेश <laughs> मुकेश yeah, भा नहीं भाई अभिषेक भाई थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग लेकिन भाई तुम एक चीज देख रहे हो तुम एक चीज देख रहे हो बादशाह इज ट्राइंग टू यू नो ब्रिंग समथिंग फ्रेश फॉर द ऑडियंस ठीक है और वो चीज़ अच्छा है भाई अच्छा है कुछ नया सुनने को मिलेगा मे बी समथिंग दैट इज फ्रेश फॉर अस समथिंग अंडरग्राउंड जल्दी मजा तो, आ जाए भाई तो ये करना है अरे की से आया भाई के साथ कर भाई मजा नहीं आ रहा अरे अरेडी के साथ क्या ही कोलैब करे कुछ आइडिया दो भाई कुछ आइडिया दे भाई अभी कर लेते हैं क्या है ओके क्या चल रहा है ये

ये वो गाना है क्या कि जिसपे डिस्क किया था आ, 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 कुछ है क्या वैसा वाला है क्या ये कुछ जियान है आप जूनियर डिस्ट बाहब है मैं कैसे मत बोलो भाई ये कौन सा गाना है भाई हिज होल perspective इन द पॉडकास्ट इज फ्रेंडशिप एंड हिज न्यू प्रोजेक्ट भाई देखो अब कोई पॉडकास्ट पे आया तो अपना भाई उतना तो उसका हक बनता है कि नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें बट ये गाना कौन सा है भाई मुझे लग रहा है कि पाजी को बहुत बुरा लग गया है बादशाह की पुकिंग और उन्हें उनके बारे में बुरा बोलने का आई डोंट नो भाई किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता चलता है भाई ही रियलाइज दैट फादर हैज एंटर्ड द गेम ओके

टाइम पे उन्हें नाज है बंदा मिडिल क्लास नहीं मिडिल क्लास सोच है किस्मत है सब कुछ ही गलत अप्रोच है जीतने से ज्यादा हार है जरूरी क्योंकि फेलियर लाइफ का सबसे बड़ा कोच है बंदे की चमड़े में शेर की स्पिरिट कीमती है लाइफ का हर एक मिनट सक्सेस मेरे लिए वन वे टिकट इस साल नहीं हर साल नहीं मैं खुद इंस्पायर <laughs> 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 आप बोलोगे आप बोलो शुरू <laughs> यहां मैंने शुरू कर दिया यार बम ये कौन सा गाना है ये कब का गाना है भाई शुरू पास करियो व्हाट डू यू थिंक भाई ये क्या लिखा है भाई एक एक लाइन सच है

गैस पकते हो आप जब मैं भाई पहली बात फेलियर क्यों नहीं सेलिब्रेट करते क्योंकि फेलियर का मतलब का जो ग्राउंड डेफिनेशन है ना जो फर्स्ट डेफिनेशन फेलियर की आती है वो टेस्ट तो में फेल होना पर लाइफ में टेस्ट होते नहीं लाइफ में तो ओपन एंडेड आंसर होते हैं सवाल हमें ढूंढने गेमी उल्टी है वहां पे आप फेल हो गए तब जब आप सवाल ढूंढने निकलोगे गलत 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 गेस करते सही बिकॉज़ ही हैव टू फेस ही हैव नो फेस टू शो सो ही यार इट्स नॉट ओनली दैट यार भाई हो सकता है भाई बंदे का वैसा ही है क्योंकि उसके पहले भी भाई बादशाह ने यही बोला था ना कि इट्स ऑल ओवर फ्रॉम माई साइड राइट भाई बादशाह ने तो ही बोल के रखे ही है स्टेज पर जाके बोला ही था कु भी भाई अब उसके पीआर का भी इसमें आ जाता है भाई हम जैसे लोग नहीं है ना वो हमारे टाइप के लोग भाई उसके पीआर भी रहते हैं भाई उसके सर पर चढ़े रहते हैं कि भाई तुम ऐसा कुछ करो वैसा कुछ करो तो कुछ भी मास्टर प्लान भाई who knows? ये नहीं ये नहीं ये नहीं तो मतलब मैं हम तो हम बहुत खुश होते हैं मैं बहुत खुश होता हूं मेरी बेटी है अच्छी है पढ़ाई में लेकिन

योन एकदम से फोकस हो जाता है hmm. आगे वो दीवार तो बन जाती है तो बहुत लोग प्रेशर में काम कर लेते हैं बहुत लोग प्रेशर में भाई बोल ही नहीं पाते, um, पाते। uh, um, कर ही नहीं power पाते भाई kid, जो गाना है लीजा डन एन अमेजिंग जॉब ऑन दिस सॉन्ग शी इज अमेजिंग देखना मां आगे का भाई दैट्स अ लाइन क्या बात भाई हां इस पे लिरिक्स नहीं है ध्यान भाई कॉपीराइट उसका तो हट जाएगा मेरा नहीं हटेगा आगे बढ़ो भाई आई एम सो हैप्पी आई मेट द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग Why yeah. Why Why is is no. is he 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 crying? 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 What What happened? Uh, uh, yeah. What happened? आई वॉन्ट टू नो दैट भाई ललन टॉप में क्लाइंट बात बोलेगी भाई ललन टॉप का जब आएगा तब का तब भाई. मेरे पे एक कॉपोरेट क्लेम ही आ जाएगा भाई भाई। ओके 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 कहाँ गया यार भाई, <laughs> ब्रो ये गाने ने इमोशनल कर दिया हाँ मेरे को देखना लग क्यों क्यों ना जीऊ रोज क्यों ना सेलिब्रेट कर क्यों ना भाई ओके okay. आंटी ने सुनाएगा ना सुना ही है मत चलाओ यार मैं रो पड़ा भाई पर आप आपने बताया है यू रिटन अ लव लेटर फ्रॉम एवरी हार्ड वर्किंग सन टू देर मदर ब्रो आई थिंक सो या मैन म yes, सो so आई <laughs> <laughs> I मेट द राइटर ऑफ दिस सॉन्ग क्रेजी आई क्रेजी या कुछ ये जो आंसू होते हैं ना भाई तो इंटरव्यू पाजी का भी करो भाई नॉट पाजी का ललन टॉप वाला हमने किया था कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से जल्दी जल्दी मैंने प्राइवेट कर दिया उसको इनफैक्ट डिलीट ही कर दिया उसको और नहीं आएगा कॉपीराइट भाई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है जिसकी वजह से जो अर्निंग मैं इस स्ट्रीम का करूंगा वो हनी बादशाह पाजी को चला जाएगा स्ट्राइक नहीं आएगा क्लेम आ जाएगा ठीक है तो वो आता है भाई आता है आता है आता है कुछ नहीं कहने को भाई

देखो उन लोगों ने खुद भी कॉपीराइट हटाने के लिए किया है भाई तुम देख रहे हो हाँ, उन्होंने भी खुद ही ऐसे किया है, भाई। कुछ का नहीं पाता है भाई। क्योंकि उनकी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली होती है ना पास अगर कुछ कूल एडिट्स हैं मीम्स है कुछ भी है मेरे को भेजो भाई मेरे को भी ये करना है यार कुछ कुछ वीडियो रिएक्शंस करना है भाई

and then there is a reality mm -hmm. कि मैं flights में रात को कितना खेलाऊं mm -hmm. and mm -hmm. the cost of fame in a way yeah yeah, yeah. yeah how's that यार yeah, मैंने ना कभी I've seen a lot of people discuss about it you know in the songs you know I've seen a lot of people निशिमा की तरफ से thirty six point nine nine अरे अरे दुबई दुबई में क्या चलता है अरे धीरम चलता है ना यार यार मैं दुबई आने वाला नॉट इवन मैं दुबई आने वाला था इस साल मैं रुक गया बट आई अ कवर अप डाउन प्ले बिकॉज ही हैव नो फेस टू शो सो ही विल मेक पीपल इमोशनल एंड गेट सिंपथी हनी सिंह ने मजबूर कर दिया है देखो अब आपने मेरे को पैसे दे दिए है ठीक है तो अब मेरे को आपके साथ साथ ही बातें करनी पड़ेगी not, <laughs> ऐसा कुछ नहीं है यार not, देखो ये ये जो आया है वो पहले का है तो आई थिंक कि आ, हनी सिंह वाले इंटरव्यू के पहले का ये इंटरव्यू है तो उस समय तक इसको भी नहीं पता था कि लाइक तो ये जो बोल रहा है कुड बी अर स्टंट कुड भी समथिंग टू क्लियर ऑल यू नो जो भी चीजें लगी हैं बट बट ऑन अदर हैंड ये भी हो सकता है कि भाई सच में बहुत लोग फेडअप हो जाते हैं यार बहुत लोग फेडअप हो जाते हैं कि यार बस यार अब नहीं करना यार ये बकचोदी नहीं कर रहे जैसे रफ्तार वर्सेस एम वे भाई रफ्तार अब हो चुका है भाई कि एम वे के साथ अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है तो Maybe, could be, I don't know, baby, तुम सही हो भाई ये भी हो सकता है कि तुम सही हो बट आई डोंट नो भाई अब डिपेंड करता है जो नेक्स्ट इंटरव्यू कभी बादशाह की आती है पॉडकास्ट कभी आता है आफ्टर दी हनी सिंह वाला इंटरव्यू तब पता चलेगा भाई असली खेल क्या है क्या अभी भी वो अपने स्टेटमेंट पर अड़ा रहता है बट आफ्टर हनी सिंह हैज कॉल्ड हिम अ क्लाइंट

हो सकता है है तो ये आग, तो सिंग सिंग थे थे ये इंटरव्यू के बाद डाली तो प्रखर प्रखर से पूछना पड़ेगा मेरे मेरे बात करना ने डाला है ना ये। गंदे टाइम की याद मुझे और मुझे ना गंदा टाइम याद करना नहीं पसंद गंदा टाइम मतलब कि मजबूरी वाला टाइम और ये मतलब जैसे वो फर्स्ट मैं हफ्ते हफ्ते स्टूडियो होता था संकल्प किया बट लाइक मुझे ऐसा लगता है

भाई को दुख है कि इज्जत पे भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है एनीवेज वेज हनी पाजी इज द न्यू एम भाई देख मॉडल उसने कितना अच्छा सुपर चैट किया भाई शी वॉज कंसर्न अबाउट अ टॉपिक तू बहन के लोड़े <laughs> <on> later, <laughs> तू मेरी बात रहता है भाई।, भाई। When you become this real, ना hmm. people like shit, hmm. and especially people in the pipeline. Hmm. thousands yeah. of people yeah. um, somebody working at tcs doing their coding in the day there you go uh, you some reason i think a lot of people i don't know like i don't to, there are a lot of fans, but i think i just happen to meet the ones you know when you're in a strata, particular strata of society i meet a lot of business owners who were extremely inspired by my lesser known songs just Limit. a no limit mm -hmm. Ek company ka na, he goes to his office in a kalinan mm -hmm. and he that's his anthem is all no limit is all no limit there is मतलब भाई पता है मैं पर्सनली आई थिंक स्पीक फॉर पीपल फार मोर देटर्स इनसुलूटली एवरीवेयर आप भाई किसी के दिल, मतलब कितनों की आवाज आवाज है, है? आवाज है ना आवाज है, जो का ग्राफ है, ना, वो है भाई mm. कल गए आज आज पता नहीं चलता ना mm -mm. ये गाने उस पर डालते हैं प्रकट मैं ना mm. एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है मेरे mm -hmm. दिमाग में एक, एक, एक चीज है जो मुझे सेम रखती है आई थिंक मुझे नहीं मैं किसी चीज का क्रेडिट लेता ही नहीं

भोहिमिया पाजी ने एल्बम बनाई बादशाह ने भी एल्बम बनाई इक्का ने भी एल्बम बनाई रफ्तार ने भी एल्बम बनाई थी आ, हनी पाजी आए एंड यू कैन सी द डिफरेंस सब गायब हैं अभी। प्रूड ही प्रूव वाई ही इज हनी सिंह भाई दिस इज ट्रू ठीक है लाइक जब बादशाह ने जब एल्बम अपना एक था राजा ड्रॉप किया था बहुत ही क्रेजी हाइप थी भाई बहुत ही क्रेजी हाइप थी बट कॉमर्शलाइज गाने उसके अंदर सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा यू नो हिप हॉप होगा ये होगा वो होगा क्योंकि फीचरिंग भी बहुत ही क्रेजी क्रेजी थी बट बादशाह का भाई ये सोच ये था कि सबको में कॉमर्शलाइजे मौत कॉमर्शियलाइज गाने में कैसा लगेगा ये कैसा लगेगा वो कैसा लगेगा तो ये था बट हनी सिंह का जब गाना आया उस समय ऑलरेडी डिस चल रहा था एम वे वर्सेज किंग का जिसकी वजह से बहुत ही कम रीच मिली हनी सिंह को बट Song अच्छे थे भाई मैं मैं मैंने सुना है ना मेरे रिएक्शन है जाके देखो माँ कसम भाई एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग भाई जो क्लब में बजने वाले सॉन्ग वो बोनीता सुन लो भाई आज भी बजता है भाई तुमने जो बात बोली है आई एम uh, मतलब हंड्रेड परसेंट विथ यू भाई दैट इज समथिंग भाई मतलब आ, मजा आया है भाई वो एल्बम सुन के ना है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग जॉनर हैं भाई मतलब इंटरनेशनल कोलेबोरेशन है एक सिंपल टाइप चुम्मेश्वरी है भाई वो एल्बम मतलब मेरे लिए मैं ये बोलूंगा कि इट्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का बेस्ट एल्बम है भाई मेरे लिए अभी तक का लेट्स एनी वेज ब्रो एनी वे इज द ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऑन दिस प्लान सो इट्स गुड इफ हनी पाजी मैं हनी सिंह को एमी वे से कंपेयर मैं क्यों करूं भाई मैं मैंने करना ही नहीं है भाई मुझे कुछ कहना ही नहीं है भाई <laughs> निशिमा भाई थैंक यू सो मच फॉर भाई दैट क्रेडिट आई कैन टेक नजर है किंग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा ठीक है ही इज काले तू ये नहीं बोलना होता <laughs> भाई किंग ने ना अपनी जो मरवाई है ना आई एम नॉट इवन किडिंग भाई मतलब पोक करके जो फिर भागा है ना किंग मेरे को भाई उसका गाना बहुत अच्छा लगता है मेरे को उसकी सब कुछ भाई मतलब हर एक रोको वाला साइड भी बहुत अच्छा लगता है बट 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 जो उसने ये यूजलेस चीज़ किया है यूजलेस चीज़ किया है पोक करके जो भागे हो ना मतलब वेरी बैड भाई वेरी बैड

आई थिंक अब हो गया भाई मैं भी अब थोड़ा ये हो गया हूँ भाई मतलब इट्स लाइक मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग्स नाउ मतलब जो मेरे को देखना था वो भाई हमने देख ही लिया है इस पॉडकास्ट में से सो दैट विल बी इट फॉर दिस पॉडकास्ट अब हम लोग थोड़ा सा और कुछ कुछ चीजें करते हैं भाई चलो तो भाई मज़ा आया ये सारी चीज़ें करके अब हम लोग भाई थोड़ा सा वेट वेट करते हैं भाई उसके लिए क्या है अपना क्या है अपना अभी किसी का गाना आने वाला है ना